Assalamualaikum friends, welcome back to the Google AdWords course. आज हम second match type पर बात करेंगे जो है modified broad match type. Modified broad match type हमारी second वो match type है जिसके जरिए हमारे पास बहुत ज़्यादा audience आती है एक broad match type के बाद. लेकिन modified broad match type में कुछ restrictions होती हैं जो के match करें तो ही हमारा ad eligible होता है show होने के लिए. इसके अलावा मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप यूज़ करने के लिए हमें हर वर्ड के साथ प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता है तो ही हमारा कीवर्ड की मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप यूज़ हो सकती है. जो वर्ड्स मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप में हमने डाले हुए हैं वो क्यूरी के अंदर अगर आएंगे तो ही हमारा ऐड शो होगा. अगर उनमें से कोई एक वर्ड भी जो हमने मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप में डाला होगा कीवर्ड कोई मिसिंग होगा क्यूरी में तो हमारा ऐड नहीं शो होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूँगा लग्जरी प्लस कार एज ए मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड इन माय ऐड ग्रुप तो मेरा ऐड शो होगा जब कोई सर्च करेगा बेस्ट लग्जरी कार्स. तो ये इस वजह से शो होगा क्योंकि लग्जरी कार ये दोनों वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं. तो अगर कोई न्यू लग्जरी यूके कार्स भी लिखेगा तो भी हमारा ऐड शो होगा बिकॉज लाजमी नहीं है कि लग्जरी कार एक ही ऑर्डर में आए. बस लाजमी ये है कि दोनों वर्ड्स क्यूरी के अंदर आ रहे हों चाहे एक वर्ड पहले आ जाए एक वर्ड बाद में आ जाए सेम ऑर्डर में आना ज़रूरी नहीं है. तो इसी के साथ अगर कोई सर्च करेगा न्यू कार्स और लग्जरी मोटर हमारा ऐड नहीं शो होगा बिकॉज इन में से एक एक वर्ड मिसिंग है. लग्जरी न्यू कार्स अगर सर्च करेगा तो उसके अंदर लग्जरी मिसिंग है इस वजह से हमारा ऐड नहीं शो होगा. इसी तरह अगर लग्जरी मोटर सर्च करेगा लग्जरी अपार्टमेंट सर्च करेगा या वट एवर तो हमारा ऐड नहीं शो होगा अनलेस वो कार भी ना यूज़ करे. तो ये थी मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट मैच टाइप का जिक्र करेंगे. सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट लेक्चर गाइस. थैंक यू.